ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। किश्तवाड़ से जम्मू जा रही मिनी बस खाई में जा गिरी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मौके पर फिलहाल पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बचाव के लिए पूरा दल वहां पर पहुंचा हुआ है। मेटाडोर के खाई में गिरने से यह हादसा हो गया। देखिए, 18 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। तो किश्तवाड़ से जम्मू जा रही मिनी बस खाई में जा गिरी है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, राहत बचाव कार्य जारी है। देखिए, लोग कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे, इसको लेकर पूरी पुलिस जानकारी भी जुटा रही है। कोई इनके डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इनके परिजनों को सूचित भी किया जा रहा है। फिलहाल जो गाड़ी खाई में गिरी हुई है, उसको निकालने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा है ये, और इस हादसे की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो फिलहाल मौके पर पूरा पुलिस बल पहुंचा हुआ है, राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है। बचाव टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। मेटाडोर के खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है। तो इस हादसे में देखिए, लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल पुलिस अभी राहत बचाव कर रही है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अपडेट देने के लिए जम्मू से मेरे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, क्या कुछ अपडेट है? ऋचा, देखिए, ये जो गाड़ी है, ये डोडा से ठाठरी की तरफ आ रही थी, तो रास्ते में खाई में ये गिर गई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, और बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है, ताकि जो बाकी के घायल लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। पहले भी इस इलाके में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल वहां पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, बचाव टीम भी वहां पर मौजूद है। क्या मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है? जी देखिए, जिस प्रकार से बस गहरी खाई में गिरी है, साथ में किनार नदी है, और हो सकता है कि जिस प्रकार से 8 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, हो सकता है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि बस के जो है खाई में गिरने से बस के प्रखच्चे तक उड़ गए हैं, और यही वजह है कि अब आशंका जताई जा रही है, तबाह हो चुकी है, उसके प्रखच्चे उड़ गए, जिस तरीके से आप हमें जानकारी दे रहे हैं रविंद्र, और आपने खुद कहा जिस तरीके से जो संख्या वो भी बढ़ सकती है, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा हुआ है। रविंद्र, जो गाड़ी खाई में गिरी है, क्या उसको अभी निकाला जा सका है? जी देखिए, अभी फिलहाल घायलों को निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जो जिनकी मौत हो चुकी है उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ सेना के जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको बाहर निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो घायल हैं उनको मेडिकल कॉलेज डोडा में ले जाया गया है, जिनकी हालत ज्यादा गंभीर है उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा, और फिलहाल कहा जाए जो प्राथमिक उपचार है उनका डोडा जो प्राथमिक में चल रहा है वो फिलहाल दिया जा रहा है घायलों को। रविंद्र, हादसा हुआ कैसे? जी देखिए, ये बस जो है ये ठाठरी से डोडा की तरफ आ रही थी, तो रास्ते में बस जो है उसका नियंत्रण जो है चालक से नहीं रख पाया, जिसके चलते करीब 300 से 400 मीटर गहरी खाई में जो है वो जा गिरी है, और बिगड़ने की वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि बैलेंस बिगड़ने की वजह से यह हादसा हुआ, और इस हादसे की वजह से वह गाड़ी खाई में जा गिरी, और इसकी वजह से ऑन स्पॉट 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। हालांकि गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं, सेना के जो जवान है वो वहां पर मौजूद है, प्रशासन वहां पर मौजूद है, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, और जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर निकालने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो घायल हो चुके हैं उन सभी घायलों को
उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो ये टीवी स्क्रीन पे तस्वीर सामने आई है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ी है वो खाई में गिरी हुई है और इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऑन द स्पॉट यहाँ पर 8 लोगों की मौत हुई है। ये जो गाड़ी इसके परखच्चे हो चुके हैं, जिस तरीके से गाड़ी के जो हालात लग रहे हैं उस हिसाब से जाहिर है कि ये हादसा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि देखिए वहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो तैनात हैं, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, यह लोग कौन थे, कहां के रहने वाले थे, कहां से कहां जा रहे थे, इसको लेकर पुलिस अभी पूरी जांच कर रही है। हालांकि जो लोग घायल हो गए हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी उनकी हालत बेहद गंभीर है तो उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज GOT, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और एप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।